22 तारीख को जिस दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी, उसी तरह से अब यहाँ पर भक्तों में उत्साह है यहाँ पर वातावरण उत्पन्न करने का। तो हम उस दिन सुबह को 11 बजे से पूजन मंत्र पाठ इत्यादि स्टार्ट होगा, और उसके बाद में शाम को 4 बजे से और 7 बजे तक विशेष रूप से भगवान के कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान का राम नाम के जप, ये सब कार्यक्रम चलेंगे 7 बजे तक। और 3 घंटे भगवान का नाम के उपरांत 7 बजे हम आरती करेंगे, और आरती के बाद में जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको हम प्रीति भोजन प्रसाद, यहाँ पर उसको लंगर बोलते हैं, वो सब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में जब वो घर जा रहे होंगे तो उन सब के लिए बहुत सुंदर तरह से पैक किए हुए महाप्रसाद जो लड्डू के रूप में देंगे। हम यहाँ पर जो 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर हमने करीब 2.5 क्विंटल लड्डू, 2.5 क्विंटल मतलब 250 kg लड्डू हमने ऑर्डर किए हैं, उसके डब्बे बनाए जा रहे हैं। ये डब्बे एज ए मिठाई के तौर पर जितने भी डिवोटी 22 तारीख को मंदिर में आएंगे उन सबको दी जाएगी, और ये करीब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 4,000 से 5,000 लोगों का यहाँ पर मंदिर में आने का एक्सपेक्टेशन है 22 तारीख को, तो उसके लिए। उसके अलावा हमने यहाँ पर अक्षत जो वहाँ से अक्षत कलश आया है अयोध्या जी से, वो मंदिर में पहुँच गया है, और मंदिर में हमने उससे बहुत सारा करीब 100 kg राइस के का बनाया हुआ है, वो भी हम सारे डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो बड़े जोरों शोरों पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप जैसे पीछे देख रहे हैं करीब 40-50 लोग इस समय यहाँ मंदिर में उपस्थित हैं। वीकेंड का दिन है, सब लोगों का अपना काम रहता है, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा है राम मंदिर को लेके, सब लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, सब काम काज छोड़ के 4 बजे से 4:30 बजे से शाम को यहाँ पे सब लोग आ गए। और आप जैसे देख रहे हैं 40-50 लोग हैं, लड्डुओं की पैकिंग चल रही है।